अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हम पॉइंकर इंटीग्रल इनवेरिएंट को देखेंगे कि क्या होता है। तो आपके पास बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है, हम उसमें पहले कुछ कंडीशंस देख रहे थे कि किसके तहत आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होती हैं। लास्ट लेक्चर ये थे, आज हम देखेंगे कि आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज में एक चीज आ जाएगी कि कुछ आपके पास यानी आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो इनवेरिएंट रहते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे शुरू करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबसे पहले एक बात समझते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में यानी आपके पास वैसी ही रहती है, प्रिजर्व रहती है। ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट या ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में शिफ्ट हो जाती है, मगर उनकी शेप नहीं चेंज होती। यानी उनका आपके पास क्यू आई से कैपिटल क्यू आई में चले जाएंगे, स्मॉल पी आई से कैपिटल पी आई में चले जाएंगे। यानी आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो गए, आपके वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो गए, मगर वो प्रिजर्व रही। अब हम सोचते हैं कि इस अदर देन जो इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशन होंगे जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे। तो उनमें से एक हमारे पास है इंटीग्रल इनवेरिएंट, जो कि पॉइंकर ने डिस्कवर फाउंड किया कि ये भी आपके पास प्रिजर्व रहता है। शुरू करते हैं, ये एक तरह से फंडामेंटल इनवेरिएंट है जब हम हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स या इक्वेशन ऑफ मोशंस को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो आता है। अब है क्या वो जरा समझते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो पॉइंकर थ्योरम कहता है कि जब आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे होते हैं तो ये इंटीग्रल जो डबल इंटीग्रल है सरफिस आपके पास है तो आप टू डायमेंशनल, तो आप कहोगे डी क्यू आई डी पी आई, ये आपके इंटीग्रल जो प्रोडक्ट है एरिया कह लें तो ये आपके पास इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एस किसके जो नीचे लिखा हुआ है, ये टू डायमेंशनल सरफेस है फेस स्पेस के अंदर, चूंकि हम हैमिल्टोनियन में है, हैमिल्टोनियन में होती फेस स्पेस है। अब इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके पास ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, जरा देखें डी क्यू आई डी पी आई, ये चेंज होके कैपिटल डी क्यू आई डी पी आई हो गए। यानी कि आपने कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, आपने वेरिएबल चेंज किए तो आपके पास उसमें फर्क नहीं आया, इक्वल का साइन चल रहा है, इनवेरिएंट रहा। ठीक होगी बात। अब फेस स्पेस क्या है जनाब, फेस स्पेस अगर हम यहाँ पे देखें तो टू डायमेंशनल स्पेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स q1 q2 qn है और ये आपके पास p1 p2 pn तक जा रहे हैं। ठीक है, यानी दो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं उसमें, एक आपके पास पोजीशन कह लें, एक आपके पास मोमेंटम है। अब जनाब अगर अगर की हम बात करें कि जो सरफेस है वो फोर डायमेंशनल सरफेस होती टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर, यानी फेस स्पेस के अंदर कितनी डायमेंशनल सरफेस देख रहे हैं, फोर डायमेंशनल सरफेस, तो आपका इंटीग्रल इनवेरियंस जो होता है वो कैसे देखा जाता, आप ऐसे लिखते कि डी क्यू आई डी पी आई डी क्यू जे डी पी जे। अब आप जानते ना हर एक के एन है, यानी आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स के एन डायमेंशन है, इसकी भी एन डायमेंशन है, अब यहाँ पे चार आ गई तो अब आप फोर डायमेंशनल सरफेस पे जा रहे हैं जिसमें टू एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर, और ये ही देख रहे हैं आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए यानी आपके वेरिएबल्स चेंज हो गए, तो आपके पास ये इक्विवेलेंट आ रहा है। मगर हम जब इन जनरल बात करते हैं तो टू डायमेंशनल सरफेस ही देखते हैं, टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस यही हमने प्रूव करना है कि इंटीग्रल इनवेरियंस का क्या मतलब होगा। यहाँ पे आप देखो डी क्यू आई डी क्यू एन तक है, डी पी वन डी पी टू एन तक है, तो ये आपकी टू एन यानी डायमेंशनल सरफेस है, और आपने इसको क्या किया इनवेरिएंट देखा जब आपने इसके वेरिएबल चेंज कर दिए, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे तीन इंटीग्रल आ गए, इसका ना वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया, तो आपके पास वॉल्यूम जो फेस स्पेस में है वो इनवेरिएंट होगा अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आप ओल्ड कोऑर्डिनेट से ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में गए, यानी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इक्वल का साइन है, तो ये जो वॉल्यूम है आपके पास अब जो फेस स्पेस के अंदर है वो इक्वल आ रहा है, यानी इनवेरिएंट रह रहा है, ये हमने प्रूफ करना है। यही बेसिकली बेसिक हमारी ये चीज है जो हमने प्रूफ करनी है। तो जनाब इसको समझने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम कैलकुलस में जाते हैं, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। तो उसमें आपके पास यहाँ पे देखें तो डी क्यू वन डी क्यू टू एन तक है, डी पी वन, यहाँ पे डी आ गया, डी यहाँ पे आपके पास क्या, आपके पास जैकोबियन है,
तो अब आपके पास यहाँ पे ओल्डर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं dq1 उसी तरीके से है, यहाँ से d की वैल्यू चाहिए तो आप पार्शियल की सूरत में लिख सकते हैं, यानी आपने डिफरेंशिएट एक तरह से कर दिया, तो आप कहेंगे पार्शियल dq1 dq2 p1 p2 p3 pn तक और नीचे आपके ओल्डर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे। इन दोनों की जो रेशियो है यानी न्यू वेरिएबल्स का डिफरेंशियल और ओल्डर यूनिट का ओल्डर वेरिएबल्स का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास जैकोबियन होगा। अब अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंट है तो d की जगह 1 आना चाहिए, तो यही मैंने लिखा कि अगर ये इनवेरिएंट है तो d की जगह 1 प्रूफ करना पड़ेगा। अब अगर हम जैकोबियन की प्रॉपर्टीज देखें तो आपने क्या किया, ऊपर वाले फैक्टर को भी और नीचे वाले फैक्टर को भी डिवाइड कर दिया किससे, पार्शियल q1 q2 q3 qn कैपिटल p1 p2 p3 pn, इसी तरह ऊपर वाले फैक्टर को नीचे वाले फैक्टर को, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने एक ही फैक्टर से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो ये जो ऊपर वाला फैक्टर है इसमें कैपिटल p1 से pn आ रहा है, इसमें भी कैपिटल p1 से p1 आ रहा है, मगर ये आपके न्यू कोऑर्डिनेट न्यू वेरिएबल्स हैं, ये ओल्डर वेरिएबल्स हैं, न्यू कोऑर्डिनेट ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे देखो तो अब आपके पास q में बदलाव आ रहा है, q सेम है और p में बदलाव आ रहा है, ऊपर आपके पास ओल्डर कोऑर्डिनेट्स हैं, नीचे न्यूर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या कि कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो आपके पास दोनों पार्शियल डिफरेंशियल में मौजूद हैं, यानी अब अगर हम उनको वहां से निकालेंगे तो वो आपका ये जैकोबियन जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएबल्स इसमें कम रह जाएंगे, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम कॉन्स्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ऊपर वाले फैक्टर में p1 है, नीचे भी p1 है, तो मैंने देखो इधर लिख दिया कि इनको कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करते हुए बाहर लिख दिया, रिमेनिंग फैक्टर वैसे ही लिख दिया। नीचे वाले में से देखो q1 q2 q3 नीचे भी है ऊपर भी है, ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। अब आ जाएगा स्मॉल p1 p2 ऊपर आ जाएगा डिफरेंशियल के साथ, पार्शियल डिफरेंशियल के साथ, नीचे कैपिटल p1 के साथ आ जाएगा। अब जनाब ये जो इक्वेशन नंबर 6 बन चुकी है, इसमें जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो जैकोबियन डिटरमिनेंट होता है, सॉरी डिटरमिनेंट फॉर्म में कह ले, तो वो आपके पास क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर डिफाइन किया जाता है, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप देख सकते हैं ऊपर भी एन वेरिएबल्स हैं नीचे भी एन वेरिएबल्स हैं, और उसमें जो अब डिटरमिनेंट की जो हर रो होगी उस वो आपके पास कहां से होगी, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेम फंक्शन, यानी हर रो की जो पहला होगा वो फर्स्ट आप सेम फंक्शन का फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगा, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। जैसे यहाँ पे q1 है तो अब मैं लिख के दिखाता हूं, नॉमिनेटर अगर आप देखें तो ये है, मैं नीचे भी अलग कर देता हूं ये है, तो अब आप देखो पार्शियल q1 ओवर पार्शियल q1, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हो, इसी तरीके से पार्शियल q1 ओवर पार्शियल q2, ये अप टू n तक जाएगा, ठीक है। अब आपने n जो ऊपर वाले हैं उसको q1 के लिहाज से देखा फर्स्ट रो में, q2 को सेकंड रो में, q3 को थर्ड रो में, qn को लास्ट रो में, ठीक है। तो ये तरीका कार जो होगा ये चीज जैकोबियन डिटरमिनेंट के लाएगी आपके पास, ये नॉमिनेटर के लिए भी बना लिया आपने, डिनोमिनेटर के लिए भी बना लिया, दोनों आप देख सकते हैं जो आपकी क्वेश्चन नंबर 6 बनी थी, इसमें जो नॉमिनेटर और डिटरमिनेटर को हमने इस तरह डिटरमिनेंट पैटर्न पे लिख दिया। अब क्या जनाब कि आपके पास अगर हम कहें कि जो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है वो सेकंड वाला आप ले रहे हो एफ टू क्यू जे पी जे, आप लिख रहे हो यहां से आप इसको लिख जा, इसके रिजल्ट्स आप जानते हैं, पी जे बराबर होगा डी एफ टू ओवर डी क्यू जे और कैपिटल क्यू जे बराबर होगा डी एफ टू ओवर पार्शियल पी जे। ये आपने जो फोर टाइप्स ऑफ पढ़ी थी जनरेटिंग फंक्शन उस लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया था, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अब अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशियल करता हूं, मगर अब जो मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं किससे कर रहा हूं, जे देखो पी जे को कैपिटल पी आई से कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास जाहिर है लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे होगा, इधर क्यू जे को पास स्मॉल क्यू आई से कर रहा हूं, यानी उसके यहाँ पे आपका ओल्डर यूनिट है, ओल्डर आपका वेरिएबल है तो उसे न्यू वेरिएबल से डिफरेंशियल कर रहा हूं, यहाँ पे न्यू वेरिएबल है तो उसे ओल्डर से कर रहा हूं। तो अब यहां से पता चलता है कि जो ith jth एलिमेंट नॉमिनेटर में आ रहा है वो सेम होगा जो jth ith एलिमेंट आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट्स में आप रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सेम जो हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटरमिनेंट नॉमिनेटर में है और डिटरमिनेंट ऑफ डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट हो गए, अगर ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो d1 के बराबर आ जाएगा। तो वो जो आपने इक्वेशन 2 पढ़ी थी, दिस वन, ये वाली इक्वेशन कि जिसमें वॉल्यूम जो फेस स्पेस में इनवेरिएंट होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो बात आ ना गई कि आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब फेस स्पेस में आपके पास वॉल्यूम इनवेरिएंट होगा।
तो आप जब टू एंड आप टू डायमेंशनल सरफेस होगी टू फेस स्पेस के अंदर, यानी टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो आपके पास इंटीग्रल इनवेरियंस होगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी दिस वन के आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल आ रहा है कि भाई डी क्यू आई ओवर डी पी आई ये बराबर होगा न्यू को आपके वेरिएबल्स के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसमें जो साबित हुआ वो क्या हुआ कि जो हैमिल्टोनियन सिस्टम है उसमें आपके पास जो पॉइंकेयर इंटीग्रल इनवेरियंट होता है, या इसका उल्टा कह लो कि जो पॉइंकेयर इंटीग्रल इनवेरियंट होल्ड करता है वो सारे सिर्फ हैमिल्टोनियन सिस्टम में करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।